सॉल्यूशन लेक्चर 5। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। इट इज द होमोजेनियस मिक्सर ऑफ टू और मोर देन टू कॉम्पोनेंट। होमोजेनियस मिक्सर ऑफ टू और मोर देन टू कॉम्पोनेंट, दो या दो से ज्यादा इसके अंदर कॉम्पोनेंट हैं और ये होमोजेनियस मिक्सर है। होमोजेनियस, क्लास 9th में हम पढ़ते थे होमोजेनियस और हेटरोजेनियस दो टाइप का मिक्सर होता है। होमोजेनियस जिसका थ्रू आउट कंपोजिशन सेम हो, जैसे कि ये है, जो ये होगा मान लिया कि ये मेरे पास 1000 ml है और इसके अंदर मैंने मान लिया 200 ग्राम ग्लूकोज डाला हुआ है। क्या रेशियो है? आप रेशियो देखोगे, मेरी इसका रेशियो 200 डिवाइड बाई 1000 है, ठीक है। अब किसी का मन करे कहीं से भी, मान लिया यहाँ से मैंने एक 1 ml बाहर निकाला, कितना निकाला 1 ml। अब उसमें पूछ ले जाए कितना ग्लूकोज होगा, ठीक है, तो रेशियो सेम रहेगा, 1000 है, 1000 के अंदर कितना है 200 है, तो 1 के अंदर कितना होगा, 1000 को क्या किया 1 किया, मतलब इसको 1000 से डिवाइड करते, इसको 1000 से डिवाइड कर दिया, कितना आ जाएगा आपका 0.2। मतलब रेशियो अब भी वही आएगा, 0.2 डिवाइड बाई 1 करके देखोगे और ये करके देखोगे वही आएगा। कोई बोले मैंने 10 ml निकाल लिया, 10 ml निकालोगे तो कितना आ जाएगा 2 ग्राम। कैसे, 1000 में कितना है 200, इसको 100 से डिवाइड कर दिया, मैं 10 बनाने के लिए क्या किया 100 से डिवाइड कर दिया, तो इसको भी 100 से डिवाइड कर दो, सेम अमाउंट आएगा। मतलब यूनिटरी मेथड है ये, बस सिंपल आपको ये निकालना 10 ml में कितना होगा, सिंपल यूनिटरी मेथड लगा दो, 1000 में इतना है, 1 में कितना होगा और 10 में निकालना 10 में कितना होगा, तो ये है होमोजीनियस। हेट्रोजीनियस होता तो यहाँ पे क्या होता, ऐसा होता कि 1 ml में 1 ग्राम है और यहाँ पे ऐसा होता कि 100 ml में 1 ग्राम है, अलग अलग कंपोजिशन होता। तो होमोजीनियस का मीनिंग होता है थ्रू आउट कंपोजिशन सेम, उसको हम बोलते हैं होमोजेनियस। अब बात आती है मिक्सर है, मिक्सर कैसे बनता है, दो या दो से ज़्यादा चीज़ें मिला दी जाती हैं, जो चीज़ें मिलाई उसको हम बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बना है तो क्या बोलेंगे, कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। अब दो ही कंपोनेंट हों तो बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन, दो से ज़्यादा हों जैसे 3 हैं तो टर्नरी, और आगे भी इसको बोलते रहते हैं 4, 5, कितने भी हो सकते हैं, ठीक। तो लिखें इफ सॉल्यूशन कंटेन ओनली टू कॉम्पोनेंट देन इट इज कॉल्ड बाइनरी। तो उस टाइम पे हम उसको बाइनरी बोलते हैं, ठीक है। अब बात ये आती है इसके अंदर तो उन कॉम्पोनेंट का नाम क्या है, ठीक। अब जो कॉम्पोनेंट होते हैं उसको हम बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। वन सॉल्वेंट एंड अदर इज सॉल्यूट। दो कंपोनेंट होते हैं, एक सॉल्वेंट होगा एक सॉल्यूट होगा। अब जैसे किसी के मन में आ जाए कि सर 5 चीज़ें मिला रखी हैं, ए बी सी डी और ई, जैसे कि NaCl भी है, शुगर भी है, ग्लूकोज भी है, वाटर भी है, अल्कोहल भी, 5 चीज़ें मिलाती हूँ, तब जैसे कि इनके मोल हम चेक करते हैं। जैसे मान लिया आपको दिया हो इसका 2 mol है, इसका 3 mol है, इसका 7 mol है, इसका 9 mol है, इसका 1 mol है, ठीक है। सोलवेंट सिर्फ एक होता है जो लार्जेस्ट क्वांटिटी में होगा, जो क्या होगा लार्जेस्ट क्वांटिटी में होगा वो आपका सोलवेंट होगा। क्या होगा आपका सॉल्वेंट, प्रेजेंट इन लार्जेस्ट क्वांटिटी, एंड ऑल अदर आर सॉल्यूट। जो लार्जेस्ट क्वांटिटी में होगा आप उसको क्या बोलोगे, सॉल्वेंट। अब क्वांटिटी किसमें मेजर करोगे, क्वांटिटी केमिस्ट्री में मोल के अंदर मेजर करते हैं, ठीक है। तो क्वांटिटी केमिस्ट्री में हम मोल में मेजर करेंगे। मान लिया दो कंपोनेंट ऐसे होते हैं उनके मोल इक्वल आ जाते हैं, तो उस केस में क्वेश्चन में मेंशन किया जाता है कि आप सॉल्वेंट इसको अज्यूम करोगे, सॉल्वेंट इस चीज़ को अज्यूम करोगे। तो ये तो
समझा दिया, एक एक करके आप डेफिनेशन लिखें। सोलवेंट द कॉम्पोनेंट विच इज प्रजेंट इन लार्जेस्ट क्वान्टिटी, विच इज प्रजेंट इन लार्जेस्ट क्वान्टिटी, जो लार्जेस्ट क्वान्टिटी में है उसको हम सोलवेंट बोलते हैं। सेकेंड पॉइंट, सोलवेंट के अंदर ही द फिजिकल स्टेट ऑफ सोलवेंट एंड सोल्यूशन मस्ट बी सेम। फिजिकल स्टेट ऑफ सोल्यूशन एंड सोलवेंट मस्ट बी सेम। यदि आपका सोलवेंट लिक्विड है तो सोल्यूशन भी आपका लिक्विड मिलेगा, आपका सोलवेंट यदि गैस है तो आपका सोल्यूशन भी गैस मिलेगा। तो फिजिकल स्टेट सेम रहती है, किसकी? सोलवेंट की और सोल्यूशन की। ठीक है, तो लार्जेस्ट क्वांटिटी में होगा। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फिजिकल स्टेट आप सेम रखोगे। सोल्यूट के अंदर क्या लिखेंगे? ऑल अदर कॉम्पोनेंट देन सोलवेंट आर सोल्यूट, ऑल अदर कॉम्पोनेंट अदर देन सोलवेंट आर सोल्यूट एंड सोल्यूशन कंटेन ओनली वन सोलवेंट, सोल्यूशन कंटेन ओनली वन सोलवेंट बट सोल्यूट मे बी मोर देन वन, सोल्यूट आपका एक से ज्यादा हो सकता है। ठीक है, जैसे इस केस में सोलवेंट एक, सोलवेंट हमेशा ही एक रहेगा जो लार्जेस्ट में, बाकी दुनिया की सारी चीजें सोल्यूट। ऊपर वाले केस में सोल्यूट कितना है? चार है, और सोलवेंट तो हमेशा क्या रहेगा? वन रहेगा। ये है आपका, बहुत सिंपल ही चीज है। सोल्यूशन क्या है? एक होमोजेनियस मिक्सचर है, जो लार्जेस्ट क्वांटिटी में उसको सोलवेंट बोलते हैं, जो कम क्वांटिटी में उसको सोल्यूट बोलते हैं। हम ऐसे भी डिफाइन करते थे 9-10 तक, जिसको डिजोल्व करते हैं वो सोल्यूट और जिसके अंदर डिजोल्व करते हैं वो सोलवेंट। वो कोई टेक्निकल डेफिनेशन नहीं है, ठीक है, वो वैसे है, लेकिन ये आपको पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि IIT इस पे भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कम्पिटिटिव एग्जाम में कि भाई सोलवेंट क्या है। आपने सोलवेंट यदि नहीं पहचाना तो आपका आंसर गलत आ जाता है, तो सोलवेंट आपको पहचानना आना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट करते हैं बात इसी के अंदर। बहुत सिंपल ही चीज़ है कि मास ऑफ सोल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूशन इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सोलवेंट, मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सोलवेंट। सोल्यूशन का मास किसके बराबर होगा? सोल्यूशन में दो ही चीजें तो हैं, सोल्यूट प्लस सोलवेंट, मास कंजर्वेशन है, तो दोनों के मास के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी बहुत सारी जगह यूज होती है, काम आएगी अपने। और मास किसके बराबर होता है? मास इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। सॉल्यूशन का मास चाहिए तो वॉल्यूम भी सॉल्यूशन का होगा और डेंसिटी भी सॉल्यूशन की होगी। यदि मान लिया सोल्यूट का मास चाहिए तो वॉल्यूम भी सोल्यूट का होगा और डेंसिटी भी सोल्यूट की होगी। मास यदि आपको सोलवेंट का चाहिए तो वॉल्यूम भी सोलवेंट का होगा और डेंसिटी भी सोलवेंट की होगी। ऐसा मत करना यहाँ पे आप बोल रहे हो सोल्यूट और कोई एक चीज़ लगा दी सोलवेंट की, तो आंसर गलत आया। जिसका मास निकालना होगा सारी चीज़ें उसी की होंगी, डेंसिटी वॉल्यूम मास तीनों। सोल्यूट के लिए निकाल रहे तो तीनों सोल्यूट का, सोलवेंट के लिए तो तीनों सोलवेंट का। यहाँ पे बहुत कॉमन सी मिस्टेक बच्चा कर देता। तो ये था आपका सोल्यूशन की डेफिनेशन और सोल्यूशन से रिलेटेड। तो सोल्यूशन को बहुत सारे टाइप में क्लासीफाई किया गया है, लेकिन क्लासीफिकेशन ऑफ सोल्यूशन सोल्यूशन को कैसे कैसे क्लासीफाई किया गया है। सबसे पहले हम बोलते हैं एक्वस सोल्यूशन, एक्वस सोल्यूशन का क्या मीनिंग है? तो लिखें सोल्यूशन इन विच सोलवेंट इज वॉटर, सोलवेंट जो जिसमें आपका वाटर हो उसको क्या बोलते हैं? एक्वस। दूसरा नॉन एक्वस सोल्यूशन किसको बोलेंगे? नॉन एक्वस सोल्यूशन सोलवेंट अदर देन वाटर वाटर के अलावा कोई भी सोलवेंट होगा उसको हम बोल देंगे सोलवेंट अदर देन वाटर। ये तो बहुत बार वर्ड यूज होता है कि एन एक्वस सॉल्यूशन हैविंग दिस, तो एन एक्वस सॉल्यूशन मीन्स सॉल्वेंट ऑफ सॉल्यूशन इज वाटर। ठीक है, ये कुछ एक रिलेटिव चीज भी हम यूज करते हैं। एक रिलेटिव टर्म होती है डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड,
डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड, डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड, डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड दीज आर रिलेटिव टर्म, कोई एब्सोल्यूट नहीं है, ये रिलेटिव टर्म है। कैसे? ये दो सॉल्यूशन मान लिया मैंने, लिया एक का नाम ए रखा है, एक का बी। इसके अंदर मान लिया 2 मोल डाला है 1 लीटर के अंदर, 2 मोल सॉल्यूट है 1 लीटर में, और इसके अंदर मान लिया 220 मान लेते हैं, 200 तो ज़्यादा, 20 मोल है 1 लीटर के अंदर, जिसमें क्वांटिटी ज़्यादा होती है, सॉल्यूट की क्वांटिटी ज़्यादा है, उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड, ऐसे लिखते हैं कॉन्क, कॉन्सेंट्रेटेड, और जिसमें सॉल्यूट की क्वांटिटी कम होती है उसको बोलते हैं डाइल्यूट। क्या बोलते हैं? डाइल्यूट। तो डाइल्यूट जिसमें कम क्वांटिटी होती है और कॉन्सेंट्रेटेड जिसमें ज़्यादा होती है। तो रिलेटिवली पूछा जाएगा आपसे, दो सॉल्यूशन देगा, जैसे बोलेगा दोनों में 100 ml है, एक में सॉल्यूट 5 ग्राम है और एक में सॉल्यूशन 90 ग्राम है, किसमें ज़्यादा हुआ? 90 ज़्यादा हुआ तो उसको कॉन्सेंट्रेटेड। कई बार क्वेश्चन में डायरेक्ट वर्ड यूज़ कर लेगा कि सॉल्यूशन इज डाइल्यूट, डाइल्यूट का मतलब हम अज्यूम करेंगे कि सॉल्यूट बहुत कम क्वांटिटी में है, कॉन्सेंट्रेटेड के अंदर हम अज्यूम करते हैं कि सॉल्यूट आपका ज़्यादा क्वांटिटी में। तो ये रिलेटिव टर्म है और काम आ जाते हैं, इसलिए कि उसको कोई डायरेक्ट क्वेश्चन पे नहीं आने वाला आपसे, ऐसे कोई कभी नहीं पूछेगा कि सॉल्यूशन डाइल्यूट है या कॉन्सेंट्रेटेड, ऐसे देख के नहीं बता सकते। हाँ, रिले कंपेयर कर सकते हैं, इन दोनों में बता सकते हैं कौन सा डाइल्यूट है और कौन सा कॉन्सेंट्रेटेड, ऐसे नहीं पूछा जा सकता। कोई भी एक सॉल्यूशन सिर्फ एक दिया और पूछ लिया, नहीं, ऐसे नहीं पूछ सकते, कोई इनका स्टैंडर्ड नहीं है, ये रिलेटिव है। नेक्स्ट है कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन होता क्या है? सबसे फर्स्ट जो पॉइंट है, अपने को ये आइडिया लेना है कि एक सॉल्यूशन है तो उसमें कितना सॉल्यूट है और कितना सॉल्वेंट है। जैसे कि मैं बताऊं, कोई सॉल्यूशन हो उसमें बताया जाए आपको कि 95 ग्राम सॉल्वेंट है और 5 ग्राम सॉल्यूट है, ठीक है, तो ये आपको कंसंट्रेशन है जिसने ये आपको इन्फॉर्मेशन दी। या बोले 95 ml और 5 ml, ये बोल दे 1 मोल और 2 मोल, ये बोल दे सॉल्यूट 1 मोल सॉल्वेंट 2 लीटर, किसी भी टर्म में आपको बस अमाउंट बता दे, मास में, वॉल्यूम में, मोल्स में, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कंसंट्रेशन। तो अब ये इतना तो समझ में आ गया हो, कंसंट्रेशन बहुत सारी टर्म रही होंगी, क्यों, कोई मास के बारे में बताएगा, कोई वॉल्यूम के बारे में, कोई मोल से, तो लिखें कंसंट्रेशन क्या होता है, इट प्रोवाइड द आइडिया अबाउट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन ए सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट का अमाउंट को बताता है, उसको हम बोलते हैं कंसंट्रेशन, ठीक है। फुल स्टॉप के बाद लिखें देर आर मैनी कंसंट्रेशन टर्म इन द सॉल्यूशन। फर्स्ट मोलारिटी, कैपिटल एम। सेकंड इज मोलारिटी, स्मॉल एम। थर्ड इज परसेंटेज कंपोजिशन। फोर्थ इज मोल फ्रैक्शन एक्स। फिफ्थ इज ppm, पार्ट पर मिलियन। सिक्स्थ ppb। सेवंथ स्ट्रेंथ। एट्थ नॉर्मेलिटी, स्ट्रेंथ को ऐसे नोट करते हैं नॉर्मेलिटी, एंड नाइन्थ फॉर्मेलिटी रिप्रेजेंटेड बाई एन, नॉर्मेलिटी इज रिप्रेजेंटेड बाई एन। फॉर्मेलिटी वैसे अपने सिलेबस में ज्यादा नहीं है तो इसको ज्यादा जरूरी तो नहीं है, फिर भी एक लाइन लिख देंगे इसमें, मोलैरिटी कैपिटल एम, मोलैरिटी स्मॉल एम, परसेंटेज कंपोजिशन, मोल फ्रैक्शन एक्स, ppm, ppb, स्ट्रेंथ, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, ठीक है। तो इस टाइप की ये इतने टर्म्स हैं जो अपने को बेसिकली पढ़नी, बहुत आसान आसान है, इनमें किसी में भी ज़्यादा डिफिकल्ट पोर्शन नहीं है।
तो एक एक करके हम इनको डिस्कस कर रहे हैं कि किसका क्या मीनिंग होगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मोलैरिटी से, कैपिटल एम मोलैरिटी, ठीक है। इनकी जो डेफिनेशन है वो ही अपने आप में न्यूमेरिकल सॉल्व कर देगी। तो डेफिनेशन को बड़े अच्छे से हमने यूनिटरी मेथड, फिर मैं बोल रहा हूँ पूरे चैप्टर में यूनिटरी मेथड, 50 चीज़ें इतने रुपए की हैं तो एक चीज़ इतने की आ जाएगी और 20 निकालने तो इतने की आ जाएगी। यूनिटरी मेथड बहुत सिंपल बेसिक मैथमेटिक्स आपको आना चाहिए, पूरा चैप्टर आपका सॉल्व हो जाएगा। तो बात करते हैं मोलैरिटी। मोलैरिटी लिखें, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन में, 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना मोल है उसको बोलते हैं मोलैरिटी। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना मोल्स है। जैसे मैं आपको बोलूं सिंपल, 5 लीटर सॉल्यूशन कंटेन 3 मोल, फाइंड द मोलैरिटी, फाइंड द मोलैरिटी। तो मोलैरिटी क्या होगी, बहुत सिंपल मैथ लगाना। 5 लीटर में 3 मोल है, 1 लीटर में जितने मोल होते हैं उसको डिफाइन किया गया, सिंपल मैथ। 5 लीटर में कितना मोल है सॉल्यूट का, 3, 1 लीटर में कितना होगा, 3/5, दैट इज कॉल्ड मोलैरिटी, दैट इज कॉल्ड मोलैरिटी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड मोलैरिटी, उसको हम मोलैरिटी बोलते हैं। मोलैरिटी की बात करूँ, फॉर्मूला यदि हम यहाँ से लिखें क्या बनेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में, लीटर में। दो चीज़ें निकालनी है मोलैरिटी के लिए, मोल्स निकालना आता है, वॉल्यूम यूनिट चेंज करवाएगा, जैसे मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूबिक, मीटर क्यूबिक, ml, ठीक है, उसे लीटर में लेके आना, ये सबको निकालना। कोई दो फॉर्मूले नहीं लिखने, 5 फॉर्मूले ऐसे, सिर्फ इसका एक फॉर्मूला। कई बार ऊपर 1000 कर दिया, ये ml में ले ले, याद नहीं रहेंगे फॉर्मूले। ये आपका पहला चैप्टर है तो इसलिए लगता फॉर्मूला एंड तक याद कर लो, मिनिमम रखो फॉर्मूलों को, डेफिनेशन ही फॉर्मूला है, यहीं से ये बनाया है भाई। 1 लीटर में कितना होगा, v लीटर में n सॉल्यूट, तो 1 में कितना होगा, डिवाइड बाई v, वहीं से बनाया, यही बेसिक मैथमेटिक्स मैंने इसमें लगाया। यूनिट क्या होगी, मोल्स अपने आप में यूनिट है और लीटर, क्या यूनिट हो जाएगी, मोल्स पर लीटर, मोल्स पर लीटर, या कैपिटल m अपने आप में यूनिट है, कैपिटल m अपने आप में यूनिट है। मैं जैसे बोल दूं 2 मोलर, ये अपने आप में यूनिट है 2 मोलर, तो मोल पर लीटर लिख दो या बड़ा m लिख दो, मोल पर लीटर को बड़ा m भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं। फिर भी सोचना तुम इसकी SI यूनिट क्या होगी, SI यूनिट जानते हो क्वांटिटी की तो होती है, वॉल्यूम की मीटर क्यूब होती है, मीटर क्यूब, मीटर क्यूब और लीटर में क्या है वो रिलेशन आपको पहले करवाया जा चुका, ठीक है। तो मोलैरिटी मोल हो गया, इस तरीके से निकालते हैं। देखिए इस पर किस तरीके के क्वेश्चन होंगे, एक एक करके सोल्व करते हैं। देखिए भाई, क्वेश्चन दिया गया है आपको, 90 ग्राम ऑफ यूरिया, यूरिया मीन्स NH2CONH2, 90 ग्राम ऑफ यूरिया इज प्रेजेंट इन 500 ml सॉल्यूशन, फाइंड मोलैरिटी, फाइंड मोलैरिटी, मोलैरिटी क्या होगी। यूरिया का मोलर मास निकाल लोगे यहाँ से, याद भी हो गया होगा, 60 होता है। मोलैरिटी निकालनी है तो मोलैरिटी का पहले फॉर्मूला लिखें। सबसे पहले जो निकालना है, क्वेश्चन कहाँ से शुरू होगा ये पता आपको चलेगा, फॉर्मूला लिखें, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब दो चीज़ें निकालनी, एक एक करके निकालो, आंसर आ जाएगा। पहला निकालता हूँ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कैसे निकालते हो, मोल मास दिया हो तो मोलर मास से डिवाइड कर दो, ये आपका आ गया 1.5, आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। वॉल्यूम इन लीटर, ml में दे रखा,
तो वॉल्यूम इन लीटर तो बहुत आसानी से निकलेगा, ml को लीटर में बदलना है, 1000 से डिवाइड कर दूं, 1000 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 0.5 लीटर, पुट कर दो यहाँ पे, 1.5 डिवाइडेड बाय 0.5 कितना आ जाएगा, 3 यूनिट क्या लगा दूं, कैपिटल M, 3 मोल। आप बेसिक डेफिनेशन भी यूज कर सकते थे, आपको पता चल रहा 500 ml में कितना है, 90 ग्राम, और तुम क्या बोलते हो मोलैरिटी क्या होती है, 1 लीटर, 1 लीटर मतलब 1000 ml में, 500 में 90 ग्राम, मतलब 500 में 90 है, 1000 में कितना होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसका मतलब 180 ग्राम होगा। सॉल्यूशन की तो यही प्रॉपर्टी होती है, नहीं होमोजीनियस, 500 में इतना तो 90 में, इसका 500 में 90 है तो 1000 में इसका डबल, तो इधर भी डबल, 180 मतलब कितना मोल, 3 मोल, तो अभी तो वही आंसर आ रहा है। अब बेसिक मैथ लगाओगे, यूनिटरी मैथ, उससे भी आंसर सेम आएगा, ठीक, इस तरीके से निकाल सकते हैं मोलैरिटी। 120 ग्राम यूरिया इज प्रेजेंट, 120 ग्राम यूरिया इज प्रेजेंट इन 1 केजी ऑफ वाटर, इज प्रेजेंट इन 1 केजी ऑफ वाटर, देन फाइंड द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.12 ग्राम पर एम एल, 1.12 ग्राम पर एम एल, 120 ग्राम ऑफ यूरिया इज प्रेजेंट इन 1 केजी ऑफ वाटर, देन फाइंड द मोलैरिटी, देन फाइंड द मोलैरिटी इफ डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1.12 ग्राम पर एम एल। ठीक, आपको मोलैरिटी निकालनी है, फॉर्मूला लिखिए, मोलैरिटी मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जितना क्वेश्चन समझ में आ रहा है उतना सॉल्व कीजिए, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मास दिया हो मोलर मास, यूरिया का 60 होता है, याद हो जाएगा धीरे धीरे, 120 डिवाइड बाई 60 कितना आया, 2, तो ये मैं 60 से क्यों डिवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि इसका मोलर मास है यूरिया का, तो 2 आ गया। बात रही वॉल्यूम, वॉल्यूम तो नहीं दिया हुआ, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ, कहीं से मैं मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लूँ, वहाँ से निकलाएगा, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है तो मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिएगा, वाटर क्या है, सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का दे रखा है, सॉल्यूट का दे रखा है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन निकल तो आया, मास ऑफ सॉल्यूशन एम है यहाँ पे, ये वाला एम मास, मास ऑफ सॉल्यूशन 120 ग्राम प्लस 1 केजी, और इतना तुम जानते हो कि ये तो आपस में ऐड नहीं होगा, या तो इसको ग्राम में बदलो या इसको केजी में, इसको मैं ग्राम में बदल लेता हूँ, 1000 ग्राम, तो ये आपका 1120 ग्राम हो गया। अब यहाँ से मास आपके पास है सॉल्यूशन का, डेंसिटी भी सॉल्यूशन की है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी मास होता है, तो मास बाय डेंसिटी दोनों सॉल्यूशन का होना चाहिए। यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं बच्चा, कई बार सिर्फ इसको डिवाइड करके आ जाता है, इसको पुट करके आ जाता है, ठीक है। मास कितना दिया, 1120 ग्राम, यूनिट के साथ पुट करने की आदत डालें, सीखें अभी से यूनिट के साथ पुट करें, 1.12 ग्राम पर एम एल, फोर्थ टर्म है तो एम एल ऊपर चली गई होगी, यही हुआ, ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो गया, इससे आप सोल्व करोगे 1000 एम एल, 1000 एम एल को क्या बोलते हैं, 1000 एम एल इज इक्वल टू 1 लीटर, 1000 एम एल इज इक्वल टू 1 लीटर, ठीक है। ऊपर वाली क्वांटिटी 2 है, नीचे वाली क्वांटिटी 1 है, तो कितना आंसर आ गया, 2, समझ गए, 2 डिवाइड बाई 1, 2 डिवाइड बाई 1, समझ में आ रहा होगा शायद, सिंपल है, किस तरीके से निकाला है हमने, 2 डिवाइड बाई 1। फिर यहाँ से मैं आपको बता दूँ मास ऑफ सॉल्यूशन, मेरे को कैसे आइडिया लगा कि ये करना पड़ेगा, क्यों, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकता हूँ, कब, जब मास ऑफ सॉल्यूशन हो, और मास ऑफ सॉल्यूशन सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों को करना पड़ेगा ऐड, ये किया, और ये यूनिट आप पुट करना सीखे, ऐसा ना ऊपर केजी हो नीचे ग्राम हो, कैंसिल आउट नहीं होगा, या तो इसको के ग्राम में बदलो इसको ग्राम में, और ये यूनिट यदि आप पुट करोगे तो अपने आप बता देगा ये एमएल में आएगा या लीटर में, तो आप यूनिट के साथ पुट करने की कोशिश करो, सीखो इसको, ठीक, तो आ जाएगा ये, तो इस तरीके से निकाला, तो ये आपका मोलैरिटी निकाल सकते हो। देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं इसी पे एक और क्वेश्चन, देखिए मोलैरिटी इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यहाँ से आपको मोल जब सॉल्यूट कभी निकालने आ जाए कि सॉल्यूट का कितना मोल है, आप मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर मल्टीप्लाई कर दो, आप मोल निकाल दोगे आप इसके, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। अब मान लिया ये मिलीलीटर में ले लिया तुमने, तो मोल्स भी किस में आ जाएंगे, मिली मोल्स में, समझ रहे हो, मिली मोल ऑफ सॉल्यूट कब आएंगे, आप मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन एमएल, यदि आपने एमएल में ले लिया तो जल्दी जल्दी में पुट करें तो मिली मोल्स निकलाएंगे, तो ये आप ध्यान रखना, ठीक। मोल्स आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, और इससे भी इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या आपको मोलैरिटी दे देगा और वॉल्यूम दे देगा, मोल्स पूछ सकता है, मोल्स के बजाय मास भी पूछ सकता है, क्यों मोलर मास देगी, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लिखें जैसे इसमें क्वेश्चन, हाउ मच यूरिया इज एडेड इन 250 सेंटीमीटर क्यूबिक सॉल्यूशन, इन 250 सेंटीमीटर क्यूबिक सॉल्यूशन टू प्रिपेयर ए सॉल्यूशन ऑफ टू मोलर, सॉल्यूशन ऑफ टू मोलर, दो मोलर का सॉल्यूशन बनाना है, वॉल्यूम दिया हुआ है 250 सेंटीमीटर क्यूबिक, 250 सेंटीमीटर क्यूबिक, सेंटीमीटर क्यूबिक क्या होता है, एमएल ही होता है, मतलब आपको बोल दे उसने 250 ml का एक सॉल्यूशन है, और टू मोलर होना चाहिए, कितना अमाउंट डालो, मोलैरिटी तो वॉल्यूम और मोल से रिलेटेड है, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला मैं लिख लेता हूँ पहले, तो कैसे सोल्व करूँगा कि मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, आप लीटर लोगे तो मोल्स, ठीक है। अब यहाँ से मैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल सकता हूँ, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, मोलैरिटी टू दे रखा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर देखें मिलीलीटर में दे रखा, लीटर में कैसे कन्वर्ट करते हो, 250 डिवाइड बाई 1000, 1/4, यहाँ से आ गया कितना, 2/4, मतलब 1/2 मोल, कितना मोल डालना है तुम्हें, 1/2 मोल डालना है, किसका, यूरिया का, बोला नहीं, हाउ मच अमाउंट ऑफ यूरिया इज एडेड, सॉल्यूट यूरिया दिया है भाई स्टार्टिंग में, नहीं भी दिखाओ तो यूरिया है बता देता हूँ, 1/2 मोल है, कितना मास होगा, मोल और मास का भी तो रिलेशन होता है, कैसे, मोल्स आपको निकालना है, मोल इक्वल टू मास डिवाइडेड बाई मोलर मास, यूरिया का कितना होता है 60, मोल दे रखा 1/2, तो मास निकाल लो 60 को इधर ले जाओ, कितना मास आ गया 30 ग्राम, और वैसे भी देखो एक मोल का मास क्या होता है, मोलर मास जो कि है 60, एक मोल का मास 60, तो हाफ मोल का मास 30, तो आपको 30 ग्राम डालना है, ठीक। आप जल्दी जल्दी करना चाहते हो तो आप मिली मोल निकालो, यदि आपने डायरेक्ट ये पुट कर दिया, गलती होती है यहाँ पे, 250 पुट किया और आंसर निकालते हो, 500 मिली मोल्स आएंगे, याद रखना, यदि ये एमएल में लोगे तो ये मिली मोल्स में आ जाएगा, तो लास्ट में वहाँ से भी आप कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक। इस टाइप का क्वेश्चन होता है, तो इसमें तीन चीज़ें हैं, 1, 2 और 3, इन तीनों पे घुमा के बस क्वेश्चन पूछा जाता है, और क्वेश्चन 100% इस पे एग्जाम में आपको मिलेगा ही मिलेगा, बहुत सिंपल है टॉपिक है, इस पे क्वेश्चन आ ही जाता है। देखें इसके अंदर नेक्स्ट देखें, इक्वेशन ऑफ डाइल्यूशन, डाइल्यूशन क्या है, जैसे ये आपने एक सॉल्यूशन बनाया, इसमें यूरिया डाला हुआ है सॉल्यूट, और मान लिया 1 लीटर सॉल्यूशन है, और मान लेते हैं यूरिया का 2 मोल, तुमने सिर्फ क्या डाला, सिर्फ वाटर डाला, डाइल्यूशन का मतलब होता है कंसंट्रेशन को कम करना, सिर्फ सॉल्वेंट डाल रहा हूँ, सॉल्यूट का एक पार्टिकल भी नहीं डाला, और बोला 1 लीटर और डाल दिया वाटर, अब ये बन गया आपके पास, इसमें यूरिया कितना रहा होगा, यूरिया तो अब भी 2 मोल ही रहा होगा, क्योंकि यूरिया तो चेंज ही नहीं किया, हाँ वॉल्यूम 1 लीटर ये था और 1 लीटर ये था, कितना हो गया 2 लीटर। अब बोलेगा मोलैरिटी बताइए, पहले कितनी थी 2/1 थी, अब 2/2 होगी, सिंपल है,
इसके लिए इक्वेशन ऑफ डाइल्यूशन यूज कर लेते हैं हम, क्या M1V1 इक्वल टू M2V2 ओनली फॉर डाइल्यूशन। सोल्यूट नहीं डालना चाहिए, सोल्यूट का एक ड्रॉप भी डाल दी तो ये इक्वेशन नहीं लगेगी। M1V1 इज इक्वल टू M2V2। M1 क्या है लिखें, इनिशियल मोलैरिटी, M1 इनिशियल मोलैरिटी, V1 इनिशियली वॉल्यूम जो ये है, M2 फाइनल मोलैरिटी, V2 टोटल वॉल्यूम एट फाइनल स्टेट, टोटल वॉल्यूम। तुम देखोगे ये है कुछ नहीं, सिंपल है कॉन्सेप्ट है। M1V1 अरे मोल्स बता दिए, स्टार्टिंग में कितने मोल्स है सोल्यूट के। V2 फाइनल वॉल्यूम हो गया, तो मोलैरिटी कैसे निकालते हैं, मोलैरिटी तो हम भी वैसे भी मोल्स डिवाइड बाई वॉल्यूम ही निकालते हैं। M1V1 डिवाइड बाई V2, ये हो गया टोटल वॉल्यूम जो लास्ट में कितना है, और ये हो गया इनिशियल मोल, हमने बोला मोल तो चेंज ही नहीं किए, ये आ गया, और डिवाइड बाई टोटल। ठीक है, ये इक्वेशन ना भी लगाओ तो भी आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, क्या मोल्स ऑफ सोल्यूट जितना पहले था उतना बाद में, ये सिर्फ डाइल्यूशन के केस में, देख रहे हो पहले जितना मोल था लास्ट में उतना ही मोल क्यों लिया, मोल हमने सोल्यूट का चेंज नहीं किया, सिर्फ वॉल्यूम चेंज कर रहा हूँ। तो ये सिंपल फॉर्मूला है, मोल्स डिवाइड बाई वॉल्यूम वाला ही फॉर्मूला है, बस इसको बोल देते हैं इक्वेशन ऑफ डाइल्यूशन, थोड़ा जल्दी क्वेश्चन कराने के लिए, इसके बगैर भी हम क्वेश्चन करें सेम उसी से स्पीड से होता है। देखें इस पर क्वेश्चन देखना, देखें इसके अंदर क्वेश्चन लिखें, फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच वाटर इज एडिड इन 2 मोलर 250 ml एक्वस यूरिया सॉल्यूशन सो दैट मोलैरिटी इज कन्वर्टेड इनटू 1/2। मोलर कितना वाटर डालूं 2 मोलर से 1/2 में पहुंच जाए, कितना वाटर ऐड करना एक्स्ट्रा, 250 तो स्टार्टिंग में है उसका वॉल्यूम, क्या लगाएंगे, सिर्फ वाटर ऐड कर रहा है, इक्वेशन ऑफ डाइल्यूशन लग सकता है, इक्वेशन ऑफ डाइल्यूशन M1V1 इज इक्वल टू M2V2। बोला स्टार्टिंग में ये 2 मोलर है, ठीक, वॉल्यूम देखो इसमें आप ये ml में पुट करोगे तो आप ये ml में पुट कर सकते हो, ऐसा नहीं कि लीटर में पुट करो, कोई टेंशन की बात नहीं, क्योंकि ये ml में लिया तुम ये ml में, ml से ml कैंसिल आउट हो जाएगा, ये तुमने बोल दिया कितना 250 ml इंटू, ये बोल रहा है कितना चाहिए 1/2 V2, फिर मैं बता देता हूँ ये ml में ही निकल के आएगा, क्यों ये ml में पुट कर रखा, ठीक, 2 को इधर ले गए कितना हो गया यहाँ से 1000 ml, 1000 ml फाइनल वॉल्यूम हो गया। अब बच्चे यहीं पे आंसर मार के आ जाता और ऑप्शन में भी होता 1000 ml ऐड नहीं किया तुमने, 1000 ml तो इस टाइम पे टोटल वॉल्यूम है सॉल्यूशन का, 250 तो पहले भी था, ऐड कितना किया तुमने, तुमने जो ऐड किया 1000 - 250 इक्वल टू 750 ml, 750 ml ऐड किया तुमने सिर्फ, ठीक है, आप इस तरीके से कर सकते हो, इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हो, ट्राई करना दूसरे मेथड से, आपको मोलैरिटी दे रखी और वॉल्यूम दे रखा, आप मोल से निकाल लेना किसके, यूरिया के, बोल रहा वाटर ऐड किया है, यूरिया के मोल तो उतने ही रहेंगे, फाइनल सॉल्यूशन में आपको मोलैरिटी दे रखी और मोल्स आपने यहाँ से निकाल ली, फाइनल वॉल्यूम निकाल लेना, ठीक है, फाइनल वॉल्यूम देखो तुम्हारा 1 लीटर आएगा और 250 पहले था, उससे भी वही आएगा, आप ये इक्वेशन ना भी लगाओ तो भी सही रहेगी इक्वेशन, लेकिन लगा तो दे, गड़बड़ कहाँ होती, कहीं भी हम लगा देते हैं, ये सिर्फ डाइल्यूशन की इक्वेशन है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, मान लिया 2 सेम टाइप के सोल्यूट मिक्स कर दिए जाए, सेम टाइप के, जैसे कि 1 मोलर 1 लीटर NaCl में 3 मोलर 2 लीटर NaCl ही ऐड किया, सोल्यूट क्या रखूँ, सेम सोल्यूट रखूँ तो क्या होगा, एडिशन कर दिया जाए तो किस तरीके से सोल्व करते हैं, ठीक है, इफ 2 or more than 2 सोल्यूशन ऑफ सेम सोल्यूट आर मिक्सड, सेम सोल्यूट आर मिक्सड, सोल्यूट आपने सेम रखा है, जैसे ये आपने यहाँ पे NaCl लिया था 1 मोलर, ठीक, और मान लिया 1 लीटर, यहाँ मान लिया NaCl ही लेना पड़ेगा, सोल्यूट आपको सेम रखना, कंसंट्रेशन वॉल्यूम कुछ भी कर लो, मान लिया 2 मोलर 3 लीटर,
इसमें भी NaCl लिया है, मान लिया 5 मोलर और 6 लीटर, बोला इन तीनों को मिक्स किया, जो फाइनल बना सॉल्यूशन, इसकी मोलैरिटी क्या होगी, इसकी मोलैरिटी क्या होगी। अब एक बात देखिए, मोलैरिटी यदि फाइनल निकालना है, फाइनल जो मोलैरिटी होगी कैसे निकलेगा, फाइनल मोल्स ऑफ NaCl, NaCl के कितने मोल हैं डिवाइड बाई फाइनल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, दो ही चीज़ें चाहिए। अब ये बात तो कोई भी बच्चा बता देगा, फाइनल वॉल्यूम 1 लीटर, 3 लीटर एंड 6 लीटर, मतलब ये तो 10 लीटर है। मोल्स कैसे निकालते हो, यहाँ से मोल निकाल लो, यहाँ से निकाल लो और यहाँ से निकाल के ऐड कर दो, आ गया मोल्स, बहुत सिंपल है। ठीक है, कितना मोल्स हो जाएगा, यहाँ से मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम 1, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, समझ गए, यहाँ से निकाल के कितना आ जाएगा, यहाँ से 1 उसका आ गया, 6 यहाँ से आ गया और 30 यहाँ से आ गया, 37/10 3.7 आ जाएगा, 3.7। कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, सिंपल कॉन्सेप्ट, एक ही फॉर्मूला चल रहा, मोलैरिटी टोटल मोल्स डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम इन लीटर। तो सेम सोल्यूट मिक्स किया है तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। मैं इसका फॉर्मूला भी लिखवा देता हूँ फॉर्मूला, लेकिन फिर भी आपको मेथड आना चाहिए, फॉर्मूला मिनिमम यूज करें, मेडिकल के स्टूडेंट फिर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन नॉन मेडिकल के बच्चे हैं उनको जरूर आने चाहिए फॉर्मूले, आपको जो मेथड जरूर आने चाहिए। ठीक है, इसका मैं डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बताऊँ कैसे आप करोगे, ये तो नोट हो गया होगा, इस केस में कैसे करते हैं, M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3, कुछ भी कितने भी ऐड किए हों, टोटल MF VF कैसे निकाल दोगे, दैट इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 MF फाइनल मोलैरिटी। और यदि इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान से देखो तो ये कुछ नहीं, ये आपका मेथड ही है, M1V1 मोल्स बता दिए स्टार्टिंग वाले, दूसरे में मोल्स, तीसरे में टोटल मोल्स डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम, दैट इज इक्वल टू मोलैरिटी, ये इक्वेशन है। ठीक है, अब मान लिया इसी के अंदर मैं एक और कंटेनर बोल देता, उसमें बोलता सिर्फ वॉटर है, सिर्फ क्या है, वॉटर है, तो उस टाइम क्या करते हैं आप, तो उसमें यहाँ तो कुछ भी ऐड नहीं कर सकते तुम, क्योंकि मोल्स तो है नहीं, मोलैरिटी तो क्या है NaCl की उसके अंदर 0, लेकिन वॉल्यूम ऐड हो जाएगा। तो आपको मेथड आना जरूरी है, क्या भाई वॉल्यूम तो 2 लीटर वाटर और ऐड कर दूँ, मैं बोलती हूँ 2 लीटर वाटर और ऐड किया, तो मोल्स तो इतने ही रहेंगे जितने, डिवाइडेड बाई 2 लीटर और ऐड करूँगा 12 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको एक्चुअल मेथड पता है तो बहुत अच्छी बात है। और ये सेम सोल्यूट के लिए, मान लिया NaCl में मैं CaCl2 डाल दूँ तो ये मेथड नहीं लगेगा, समझ गए, CaCl2 डाल दूँ तो आपको क्या, ये इक्वेशन नहीं लेता, आपको क्या लगाना पड़ेगा मेथड, और मेथड कुछ नहीं है, मोल्स निकाल दो डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम, वहीं पर बात खत्म हो जाती है। ठीक है, लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए इसमें जो नेक्स्ट है क्वेश्चन, 2 लीटर ऑफ 1 मोलर CaCl2 इज मिक्स्ड विद 1 लीटर ऑफ 1 मोलर NaCl एंड 1 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड, then find final concentration of NaCl, ये जो डिब्बे होते नहीं इसका मतलब होता कंसनट्रेशन मीन मोलैरिटी, फाइनल मोलैरिटी ऑफ NaCl, फाइनल मोलैरिटी ऑफ CaCl2, फाइनल मोलैरिटी ऑफ CaCl2, CaCl2 की और उसकी फाइनल मोलैरिटी निकालनी है। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ NaCl और CaCl2, देखो मोलैरिटी जिसका भी निकालना है, मोलैरिटी मान लिया मैं NaCl का पहले सॉल्व करूँ, NaCl का मोलैरिटी इक्वल टू मोल्स ऑफ NaCl इन फाइनल सॉल्यूशन डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर फाइनल NaCl, देखो 2 लीटर ऑफ 1 मोलर CaCl2, इस सॉल्यूशन में कोई NaCl तो है ही नहीं, कौन है सिर्फ CaCl2 इज मिक्स्ड विद 1 लीटर ऑफ ये NaCl, वाटर में तो सिर्फ वाटर है, वॉल्यूम एक बार पहले देखें हम कि वॉल्यूम कितना रहा होगा, 1 2 लीटर इसका, 1 लीटर इसका 3, और 1 लीटर वाटर भी डाल दिया, 3 और 1 4 लीटर, ये तो 4 हो गया मोल, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम कितना है 1,
NaCl का कितना आ गया 1/4। बहुत सिंपल मेथड है, CaCl2 का निकालना है, मोलैरिटी ऑफ CaCl2। देखिए बहुत एक लाइन में निकाल देंगे, नीचे तो क्या आएगा 4 आएगा। क्यों आएगा नीचे 4? टोटल वॉल्यूम तब भी 4 ही है, एक ही डिब्बे में डाल रखे हैं सारे, एक डिब्बा है उसके अंदर डाल दिया, तो उसमें कितना वॉल्यूम आएगा? सबका वॉल्यूम CaCl2 सिर्फ यहाँ से आ रहा है। मोलैरिटी, इसकी मोलैरिटी और इसी का वॉल्यूम कितना हुआ? 2 1/2। कितना आ जाएगा आंसर? यहाँ से निकाल दोगे 1/2। बहुत सिंपल चीज़ है, इस तरीके से निकालते हैं। अब इसी में पूछ ले क्वेश्चन, क्लोराइड नेगेटिव आयन के बताइए। क्लोराइड नेगेटिव, Cl नेगेटिव, अब Cl नेगेटिव यहाँ से भी आएगा और Cl नेगेटिव यहाँ से भी आएगा, Cl नेगेटिव दोनों जगह से आएगा। थर्ड क्वेश्चन इसी में, फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ Cl नेगेटिव इन दिस सॉल्यूशन। Cl नेगेटिव की कंसंट्रेशन क्या होगी इसी क्वेश्चन के अंदर, ये नोट तो कर ही लिया होगा। इसमें देखिए, अब पहले अपने को मोल देखने पड़ेंगे Cl नेगेटिव के, मोल ऑफ Cl नेगेटिव क्लोरीन के। क्लोरीन कहाँ कहाँ से आ रहा है? यहाँ से, और यहाँ से देखो CaCl2 एक कैल्शियम क्लोराइड है, तो उसमें दो क्लोरीन आएंगे, मतलब इसका यदि एक मोल होगा तो क्लोराइड के दो मोल होंगे। यहाँ से NaCl, मतलब जितना मॉलिक्यूल NaCl का होगा उतने क्लोराइड होंगे, तो मोल्स ऑफ Cl नेगेटिव 2 times मोल्स ऑफ CaCl2। 2 times क्यों कर रहा हूँ इसको, देखो ना यहाँ पे लग रहा है 2, एक मॉलिक्यूल में दो हैं, इनटू 1 times और मोल्स ऑफ NaCl। इसका 1 time ही क्यों लिया? देखो इसके अंदर NaCl में एक ही है, ये मैंने निकाल रखा 2। मोल्स ऑफ CaCl2 निकालना तो बहुत आसान था, कितना आया था 2+1, कितना आया था 1, कितने हो गए 5 मोल। वॉल्यूम, वॉल्यूम तो अब भी वही है, तो मोलैरिटी ऑफ Cl नेगेटिव 5/4, दैट इज इक्वल टू 1.25 मोलर। किसी आयन का निकालना हो तो आप ये देख लो आयन्स बन कितने रहे, CaCl2 कितने आयन बना रहा है, ठीक ये है। तो इस तरीके से आप मिक्सिंग करोगे तब आपका फॉर्मूला फेल हो जाएगा, तब आपको एक्चुअल मेथड आने चाहिए। तो फॉर्मूले इतने याद करो उसके बजाय एक्चुअल मेथड कर लो। हाँ, डाइल्यूशन वाली इक्वेशन आप याद कर लो, M1V1 = M2V2, बहुत जल्दी क्वेश्चन कर दो, वहाँ मिस्टेक कहाँ होती है। आप फाइनल वॉल्यूम निकाल के आते हो ऑप्शन टिक कर देते, नहीं वो बोलेगा वॉल्यूम एडिट, तो जितना पहले था वो फाइनल है, उसमें से वो माइनस तो कर दो। इनिशियल आपने 300 ml लिया और फाइनल तुम्हारा 1000 ml आ गया, तो 300 को हट 700 तुमने ऐड किया है। तो ये चीज़ें आप क्वेश्चन करोगे तो वहाँ से आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन के लिए एन अवस्थी, न्यूमेरिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री वाई नरेंद्र अवस्थी सबसे बेस्ट बुक है IIT और JEE मेन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए, और मेडिकल के बच्चों के लिए जो भी तुम्हारी बुक आती है वैसे ही वो सेम बुक मेडिकल के बच्चों के लिए भी आती है। उसमें 2 editions है, एक है फॉर IIT और एक है फॉर मेडिकल, तो वो सबसे बेस्ट बुक है। वो क्वेश्चन उससे क्वेश्चन कीजिए, असाइनमेंट से कीजिए क्वेश्चन, DPP वगैरह है उनसे करो, जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन करोगे वहाँ से फ़ायदा होगा। थ्योरी किसी बुक से नहीं पढ़नी चाहिए।